हेलो एवरीवन। तो आप अगर कभी भी ड्राइव करते हो या सड़क के किनारे चलते हो तो आपने एक पत्थर रखा होगा, देखा होगा, जो भी हर रोड के साइड में लगा हुआ रहता है, जो अलग अलग रंगों के होते हैं। तो सड़क के किनारे ये सारे के सारे जो पत्थर लगे रहते हैं, जिसमें भी किसी भी जगह का नाम या फिर उसकी दूरी लिखी हुई रहती है कि वो शहर यहाँ से कितनी दूरी पे है, कितने किलोमीटर पे है, उस पत्थर को हम माइलस्टोन बोलते हैं, यानी माइलस्टोन का पत्थर। ये सारे रोड पे आपको रोड के किनारे लगे हुए मिलेंगे। तो जानते हैं आज कि ये सारे पत्थर या माइलस्टोन क्यों लगाए जाते हैं। जनरली इसका एक तो रीजन है कि एक शहर कितनी दूरी है उस पॉइंट से, ये हमें बताया जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हर एक रोड की जो साइड में लगे हुए पत्थर रहते हैं वो अलग अलग रंगों के रहते हैं, ठीक है। एक माइलस्टोन कई बार आपने देखा होगा कि पीले रंग का, हरे रंग का, काले या नीले रंग का या फिर नारंगी रंग का पत्थर जो है वो रोड के साइड में लगा हुआ रहता है। तो ये जो रंगों के बारे में जो है आज हम जानने वाले हैं। तो अक्सर हम रोड से जब गुजरते हैं तो हम सिर्फ माइलस्टोन को उसकी दूरी के लिए देखते हैं, बाकी किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो रंग है वो बहुत काम के होते हैं, ये आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं आपको। तो चलिए जानते हैं आज हम वीडियो में कि ये जो रंग है ये क्या कहते हैं। तो ये रंग बहुत कुछ कहते हैं, तो जानते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, जो अगर आप जा रहे हो किसी भी रोड से ट्रैवल कर रहे हो या रोड के किनारे से चल रहे हो और अगर आपको एक पत्थर दिखाई देता है माइलस्टोन, जिसका ऊपरी हिस्सा पीले रंग का और निचला हिस्सा जो है वो सफेद रंग का होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो अगर आपको पीला और सफेद रंग का अगर माइलस्टोन दिखता है तो समझ जाइए कि आप किसी भी नेशनल हाईवे मतलब क्या, दैट इज राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप चल रहे हो, ठीक है। तो पीले रंग का अगर आपको पत्थर दिखाई देता है रोड के साइड पे तो समझ जाइए कि आप किसी नेशनल हाईवे पे हो। नेशनल हाईवे क्या करता है, तो नेशनल हाईवे ऐसे हाईवे रहते हैं जो देश के विभिन्न जो महत्वपूर्ण सिटीज है या फिर राज्यों को जोड़ने वाला जो रहता है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है। देन सेकेंड आता है हमारे पास, अगर आप रोड के किनारे चल रहे हो और अगर आपको माइलस्टोन दिखाई देता है जो कि ऊपरी भाग हरे रंग का, ग्रीन कलर का, और निचला हिस्सा जो है वो सफेद रंग का अगर मिलता है आपको, तो आप समझ जाइए कि आप एक स्टेट हाईवे मतलब राज्य मार्ग पे आप जा रहे हो। स्टेट हाईवे क्या होता है, तो एक विदिन एक स्टेट जो या फिर एक राज्य है उसके अंदर की जो बड़े बड़े सिटीज है, शहर है, उसको जोड़ने वाला जो होता है उसको स्टेट हाईवे या फिर राज्य मार्ग बोला जाता है, ठीक है। देन थर्ड आता है हमारे पास, अगर आप देखते हो पत्थर को जिसका ऊपरी भाग काले या नीले रंग का है और निचला भाग सफेद रंग का रहता है, तो वो जो पत्थर है या माइलस्टोन है दर्शाता है कि हम किसी एक बड़े शहर या एक जिले के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये नीले या काले रंग का जो पत्थर है ये हमें दर्शाता है कि ये जो रोड है वो डिस्ट्रिक्ट रोड है, मतलब बिटवीन एक खाली जिले के अंदर का रोड है जो जिले को जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे बोला जाता है या डिस्ट्रिक्ट रोड बोला जाता है। देन जो लास्ट आता है, तो अगर आप चलते समय आपने माइलस्टोन देखा जिसका ऊपरी हिस्सा नारंगी रंग का है, ठीक है, नारंगी रंग का है, तो नारंगी रंग क्या दर्शाता है कि नारंगी रंग ये दर्शाता है कि आप किसी गांव में या फिर गांव के रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको चलते हुए नारंगी रंग का पत्थर दिखाई दे, माइलस्टोन दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप किसी गांव में या फिर गांव की सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे रंग जो है हमें कोई बहुत कुछ कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है आपको लास्ट टाइम SSC JEE के एग्जाम में पूछा गया था कि अगर माइलस्टोन का ऊपरी हिस्सा पीले रंग का होता है तो वो कौन सा राजमार्ग दर्शाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ये बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पे कवर की है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू।